नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी भाइयों का मेरे YouTube चैनल बजट टूर विद ब्रिजेश में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये पवित्र नगरी, पवित्र धाम जनकपुर है। जनकपुर प्रभु श्री राम जी की ससुराल भी है और यहीं पर ही माता सीता का जन्म हुआ था और इसी जगह पर माता सीता और प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ था। आज की इस वीडियो में मैं आपको जनकपुर धाम के बारे में पूरी A to Z जानकारी देने वाला हूं कि यहां आप कैसे पहुंचें, कहां ठहरें, कौन कौन से मंदिरों में दर्शन करें, यहां पर कैसे घूमें, कहां कहां घूमें, घूमने में कुल कितना समय लग सकता है, कुल कितना खर्चा हो सकता है। हर एक छोटी सी छोटी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। जो भाई लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही खूबसूरत जगहों पर इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता रहता हूं। आप चाहते हैं कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन ऑल नोटिफिकेशन पर भी क्लिक जरूर कर लीजिएगा। जो भाई लोग जनकपुर यात्रा पर आना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए वो व्यक्ति इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो आइए दोस्तों, समय को ना बर्बाद करते हुए वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जनकपुर के बारे में बता दूं। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि जनकपुर कहां पर है। दोस्तों, जनकपुर नेपाल देश में है। जनकपुर माता सीता का जन्म स्थान भी है और प्रभु श्री राम जी की ससुराल भी है। यहीं पर ही माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम जी के साथ हुआ था। नेपाल देश का यह जनकपुर भारत देश के बिहार राज्य के साथ लगा हुआ है। भारत और नेपाल देश एक मित्र राष्ट्र हैं, जहां पर आने जाने के लिए ना तो पासपोर्ट की ज़रूरत होती है ना तो वीज़ा की। आप आसानी से भारत देश से नेपाल, नेपाल से भारत देश आ जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनकपुर कैसे पहुँचा जाए। जनकपुर आप रेल मार्ग, सड़क मार्ग, हवाई मार्ग तीनों ही रास्तों से आप यहाँ पर बहुत ही आसानी से पहुँच सकते हैं। जनकपुर में एयरपोर्ट भी है, आप भारत देश से डायरेक्ट फ्लाइट लेकर जनकपुर भी पहुंच सकते हैं। और सड़क से आप आना चाहते हैं तो मैं बता दूं, भारत देश से नेपाल देश सड़क मार्ग से भी बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप अपने निजी वाहन से भी जनकपुर पहुंच सकते हैं। अगर आप रेल मार्ग से जनकपुर पहुँचना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूँ कि भारत देश का जयनगर रेलवे स्टेशन जनकपुर के सबसे करीबी रेलवे स्टेशन है। जयनगर रेलवे स्टेशन भारत देश के बिहार राज्य के मधुबनी ज़िले में है। भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन के साथ में ही नेपाल का भी जयनगर रेलवे स्टेशन है, जहां से आपको जनकपुर के लिए डायरेक्ट ट्रेनें मिल जाएंगी। नेपाल के जयनगर रेलवे स्टेशन में आपका आधार कार्ड, आईडी कार्ड चेक होता है। सामने आप वीडियो में देख रहे हैं, ये नेपाल का जयनगर रेलवे स्टेशन है। भारत के जयनगर रेलवे स्टेशन के साथ में ही ये रेलवे स्टेशन है नेपाल का। नेपाली जयनगर रेलवे स्टेशन से जनकपुर के लिए दिन में 2 ट्रेनें चलती हैं, एक सुबह 9 बजे और एक दोपहर को 2 बजे। नेपाली रेलवे स्टेशन से अगर आपकी ट्रेन मिस हो जाती है तो आप जयनगर से डायरेक्ट बस के माध्यम से भी जनकपुर पहुंच सकते हैं। अगर आप जयनगर से जनकपुर बस से पहुंचना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि जयनगर रेलवे स्टेशन के बाहर से आपको बसें मिल जाएंगी डायरेक्ट जटाही बॉर्डर तक के लिए। जब आप जटाही बॉर्डर पहुँच जाएँगे तो आपको जटाही बॉर्डर से जनकपुर के लिए डायरेक्ट बसें मिल जाएंगी। इस तरह से दोस्तों आप जयनगर से जनकपुर पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनकपुर के सभी धार्मिक स्थानों को कैसे घूमा जाए। जनकपुर में आप जनकपुर के लोकल ट्रांसपोर्ट जैसे बैटरी रिक्शा, टेम्पू, कैब के माध्यम से सभी धार्मिक स्थानों को घूम सकते हैं। जनकपुर में घूमने का सबसे सस्ता और आसान तरीका है पैदल। दोस्तों, आप जनकपुर के सभी पवित्र धार्मिक स्थानों को पैदल बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं, क्योंकि जनकपुर में सभी धार्मिक स्थान आसपास में ही हैं, तकरीबन 3 किलोमीटर के दायरे में, जिन्हें आप पैदल बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। अब बात करते हैं कि जनकपुर में कहाँ ठहरा जाए। जनकपुर में जानकी मंदिर के आसपास कई सारी धर्मशालाएं और होटल आपको ठहरने के लिए मिल जाएंगी, जहाँ पर आपको धर्मशालाएं 300 रुपये से लेकर 500 रुपये की रेंज में मिल जाएंगी। अगर होटल में आप कमरा लेना चाहते हैं तो होटल में आपको 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये के बीच में बहुत ही आसानी से कमरा मिल जाएगा। यहाँ पर खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको हर धार्मिक स्थान के आसपास खाने पीने के लिए शुद्ध शाकाहारी
भोजनालय मिल जाएंगे जहाँ पर आप अच्छे से शुद्ध शाकाहारी भोजन कर सकते हैं। सस्ता ही यहाँ पर आपको खाना मिलेगा, 100 रुपये की थाली में आप पेट भर के खाना खा सकते हैं। अब मैं आपको करेंसी के बारे में बता दूं, दोस्तों इंडिया का 100 रुपये नेपाल की करेंसी में 160 रुपये होता है। मैंने भी यहाँ पर मनी एक्सचेंज के पास जाकर अपनी इंडियन मनी को नेपाल मनी में एक्सचेंज कर लिया है। जनकपुर में आप इंडियन मनी भी दे सकते हैं और नेपाल मनी भी दे सकते हैं। यहाँ पर इंडियन करेंसी और नेपाल करेंसी दोनों ही ले लेते हैं यहाँ पर। अगर आप काठमांडू जाते हैं तो वहाँ पर दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ नेपाली ही करेंसी ज़्यादातर लोग लेते हैं, इंडियन करेंसी नहीं लेते हैं। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा, जब भी आप काठमांडू जाएँ तो आप जब भारत से नेपाल में इंटर करते हैं तो बॉर्डर पर ही अपनी मनी एक्सचेंज करवा लें। अब बात करते हैं कि आप जनकपुर के किन किन प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। दोस्तों जनकपुर में घूमने के लिए आप सबसे पहले चले जाएं गंगा सागर। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, यह है गंगा सागर। यह जगह जनकपुर के प्रसिद्ध धार्मिक स्थानों में से एक है। जनकपुर में आने वाला श्रद्धालु सबसे पहले इस गंगा सागर झील में नहाता है, उसके बाद ही दर्शन करने के लिए अन्य मंदिरों में जाता है। दोस्तों ये है गंगा सागर, अब मैं यहाँ पर स्नान करूँगा, उसके बाद ही मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाऊँगा। जनकपुर रेलवे स्टेशन से और जनकपुर बस स्टैंड से गंगा सागर की दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर होगी। आप पैदल बहुत ही आसानी से गंगा सागर तक पहुँच सकते हैं। जनकपुर के सभी धार्मिक स्थानों को आप पैदल बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं। मैं आपको इस पूरी वीडियो में बताने वाला हूं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। गंगा सागर में स्नान करने के बाद अब आप चले जाएं श्री राम मंदिर। श्री राम मंदिर गंगा सागर के बिल्कुल पास में ही है, तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर। सामने आप देख रहे हैं, यह है श्री राम मंदिर। आइए अंदर चलते हैं। एक बार दोस्तों श्री राम जी के नाम का जयकारा कमेंट बॉक्स में जरूर लगा दीजिएगा, बोलो जय श्री राम। ये देखिए मंदिर के अंदर का नज़ारा। यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में अच्छे से दर्शन करने के लिए और घूमने के लिए आपके पास कम से कम आधे घंटे का समय ज़रूर होना चाहिए। सामने आप देख रहे हैं, ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर है। प्रभु श्री राम जी के मंदिर के अलावा इस मंदिर परिसर में और भी अन्य देवी देवताओं के मंदिर हैं, वहाँ भी आप दर्शन जरूर करें। प्रभु श्री राम जी के दर्शन करने के बाद अब आप पैदल चले जाइए श्री राज देवी मंदिर। ये यहाँ की मार्केट है दोस्तों, आप देखिए मार्केट। हम श्री राज देवी मंदिर पहुँच गए हैं। श्री राम मंदिर से यहाँ पहुँचने में हमारा सिर्फ 2 मिनट का समय लगा है। श्री राम मंदिर के बिल्कुल पास में ही यह मंदिर है। यह मंदिर भी अपने श्रद्धालुओं के लिए सुबह 5 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक खुला रहता है। यह मंदिर राजा जनक की कुल देवी का मंदिर है। यहाँ पर राजा जनक अपनी कुल देवी की पूजा करते थे और इस मंदिर में पर्स, बेल्ट, चमड़े का कोई भी सामान अलाउड नहीं है। अगर आपके पास कुछ चमड़े का सामान है तो उसे मंदिर के बाहर दुकानों पर ही जमा करा दें, या तो अपने कमरे में ही रख के आ जाएं। यहाँ पर अच्छे से दर्शन करने के लिए आधे घंटे का समय बहुत है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद अब आप पैदल निकल जाएं श्री जानकी देवी मंदिर। राज देवी मंदिर से माता जानकी देवी मंदिर लगभग 300 मीटर की दूरी पर होगा। आप पैदल 5 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। दोस्तों ये है सीता माता जानकी देवी मंदिर। अब मैं आपको मंदिर के अंदर ले चलता हूँ, अंदर दिखाता हूँ आपको कि मंदिर कैसा है अंदर से। बाहर से तो आप देख ही रहेंगे कितना सुंदर ये मंदिर है। ये देखिए जनकपुर का ये मंदिर सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा मंदिर है। इस मंदिर की खूबसूरती बनावट लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। ये मंदिर परिसर के अंदर का दृश्य है दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने वीडियो में। बहुत ही सुंदर और खूबसूरत ये मंदिर है। कहा जाता है कि इसी स्थान पर माता सीता का जन्म हुआ था, जहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है।
ये जानकी माता का मेन मंदिर है। आइए अंदर चलते हैं, दर्शन करते हैं। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए दोस्तों। इस मंदिर परिसर में एक सांस्कृतिक संग्रहालय भी है, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। इस म्यूज़ियम में दोस्तों आपको मधुबनी पेंटिंग देखने को मिलेंगी, जिनमें प्रभु श्री राम सीता के जीवन से जुड़ी बहुत सी चीज़ों का चित्रण किया गया है। आप देख सकते हैं सामने प्रभु श्री राम और माता सीता की लीलाओं को यहाँ पर दर्शाया गया है। इस संग्रहालय में आपको बहुत ही सुंदर सुंदर मॉडल और पेंटिंग देखने को मिलेंगी। इस म्यूजियम में पर व्यक्ति 10 रुपये की टिकट है नेपाली करेंसी में, और इंडियन करेंसी में 7 रुपये की। आप कभी भी जानकी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए आएँ तो इस संग्रहालय में भी ज़रूर विजिट कीजिएगा। बहुत ही सुंदर संग्रहालय है। उस टाइम पर जो वस्त्र पोशाक यूज होते थे वो सब भी आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। ये देखिए सारी ज्वेलरी हैं। अब हम संग्रहालय से बाहर निकलेंगे। जानकी माता मंदिर श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। इस मंदिर में अच्छे से घूमने के लिए और दर्शन करने के लिए आपके पास कम से कम 2 से 2.5 घंटे का समय ज़रूर होना चाहिए। माता जानकी मंदिर के साथ में ही है राम जानकी विवाह मंडप। यहाँ पर व्यक्ति 10 रुपये की टिकट लगती है नेपाली करेंसी में, और 7 रुपये की टिकट लगती है इंडियन करेंसी में। मैंने टिकट ले ली है, आइए अब मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अब दोस्तों मैं आपको वो जगह दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पर माता सीता और राम जी का विवाह हुआ था। सामने आप देख रहे हैं वीडियो में, ये राम जानकी विवाह मंडप है। इसी स्थान पर माता सीता और राम जी का विवाह हुआ था। विवाह मंडप के चारों तरफ आपको खूबसूरत गार्डन देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आप शांति से बैठकर भगवान का ध्यान लगा सकते हैं। कुछ पल अगर आप शांति से बैठना चाहते हैं, भगवान का ध्यान लगाना चाहते हैं, तो ये जगह जनकपुर में सबसे अच्छी और सबसे बेस्ट जगह है। यहाँ पर माता सीता और प्रभु श्री राम जी के विवाह को दर्शाया गया है। इसी स्थान पर, इसी जगह पर माता सीता और प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ था। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए प्रभु श्री राम और माता सीता के। ये धार्मिक स्थान श्रद्धालुओं के लिए सुबह 6 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों ये थे जनकपुर के सबसे प्रसिद्ध मंदिर। आप कभी भी जनकपुर यात्रा पर आएँ तो इन सभी मंदिरों में दर्शन ज़रूर कीजिएगा। ये सभी मंदिर जनकपुर के सबसे प्रसिद्ध और सबसे मुख्य मंदिर हैं। जनकपुर के इन सभी मंदिरों को आप पैदल बहुत ही आसानी से घूम सकते हैं, जिनके बारे में मैंने आपको विस्तारपूर्वक इस वीडियो में जानकारी दे दी है। जनकपुर आप कैसे पहुँचें, कहाँ ठहरें, कैसे घूमें, कहाँ कहाँ घूमें, हर चीज़ की जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब मैं यहाँ से जाऊँगा रामानंद चौक, जहाँ से मुझे काठमांडू के लिए बस मिलेगी। सामने आप देख रहे हैं यह है रामानंद चौक। जानकी मंदिर से इस चौक की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। आप पैदल 15 से 20 मिनट में बहुत ही आसानी से पहुंच जाएंगे। जनकपुर से काठमांडू कैसे पहुंचे, कुल कितना खर्चा हो सकता है, बस में क्या किराया लगेगा, इसके ऊपर दोस्तों मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ और बहुत जल्द अपने चैनल पर डाल भी दूँगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए। बाय बाय दोस्तों, अब मैं आपको मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय माता सीता।